हाय, सो ये है चैप्टर नंबर 4। अभी हम इस बुक में, जो क्लास 9 की ज्योग्राफी बुक है, इसमें हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज रिवर्स एंड लेक्स, ये तीन चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। सो लेट अस स्टार्ट। सी, ये है इंडिया का क्लाइमेट। अगेन हमारा अप्रोच सेम है, हम हर वर्ड को, हर लाइन को पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। इन द लास्ट टू चैप्टर्स यू हैव रेड अबाउट द लैंड फॉर्म, मतलब लैंड के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको हमने देखा। ड्रेनेज मतलब पानी, रिवर्स एंड ऑल, ड्रेनेज ऑफ अवर कंट्री हमने रीड किया। दीज आर टू ऑफ द थ्री बेसिक एलिमेंट्स दैट वन लर्न अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एनी एरिया। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द थर्ड। अब हम तीसरी बात पढ़ते हैं, दैट इज़ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन दैट प्रिवेल ओवर अवर कंट्री। हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, क्लाइमेट, देन व्हाट आर द डिफरेंट सीजन्स, ये क्लाइमेट क्यों फॉर्म हुआ है, एल्टीट्यूड और लैटिट्यूडिनल वेरिएशन क्यों होता है, देन सी और उसकी जो प्रॉक्सिमिटी है उससे क्या इम्पैक्ट आता है, देन ग्लोबल विंड्स का क्या इम्पैक्ट आता है, मॉनसूनल रेन्स का क्या इम्पैक्ट आता है, हम ये सारी चीज़ें अभी पढ़ने वाले हैं। सो व्हाई डू वी वेयर वुलन्स इन दिसंबर। दिसंबर में हमको ठंड ज़्यादा होती है तो वुलन पहनना पड़ता है। और व्हाई इट इज़ हॉट एंड अनकम्फर्टेबल इन द मंथ ऑफ मे। व्हाई? बिकॉज सीजन चेंज होते हैं। और सीजन चेंज क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ एपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन। जैसे ये सन है, ये अर्थ है हमारी, ये ऊपर क्या है, ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन ऐसे ऐसे एपेरेंट मूवमेंट होता है सन का। तो सन अगर साउथ में चला गया तो नॉर्थ में ठंड हो गया, सन अगर नॉर्थ में आ गया तो साउथ में ठंड हो गया, ऐसे करके। जो इंडिया में जो वेदर होता है ना, क्लाइमेट है, अभी सीजन है, उसका जस्ट ऑपोजिट ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो इंडिया में अभी समर्स आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में अभी विंटर्स आ रहे हैं। वाई? बिकॉज इंडिया नॉर्थ में है और ऑस्ट्रेलिया साउथ, सदर्न हेमिस्फेयर में। ये चैप्टर नंबर 1 में हमने अभी पढ़ा था। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्लाइमेट। क्लाइमेट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मोर देन 30 ईयर्स। तो क्लाइमेट मतलब बहुत टाइम का एवरेज है, बहुत टाइम के वेदर्स का एवरेज है। जबकि जो वेदर होता है, ये डे टू डे एक्टिविटीज़ भी कई बार इसमें हम काउंट करते हैं। जो वेदर होता है, ये स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो वेदर कीप ऑन चेंजिंग, बट जो क्लाइमेट है वो मोर और लेस सेम होता है। जैसे आप साइबेरिया जाओ तो साइबेरिया का क्लाइमेट इज़ ठंड है, वहाँ पे वहाँ हमेशा ठंडी रहेगी। इक्वेटर में आओ, इक्वेटर का क्लाइमेट इज़ डिफरेंट। देन हिल स्टेशन पे जाओ, वहाँ का क्लाइमेट इज़ डिफरेंट। तो जो क्लाइमेट होता है, इसमें दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला फैक्टर, इनफैक्ट एक ही फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है सोलर इंसोलेशन। कितना सोलर इंसोलेशन आ रहा है। तो जो एरिया अगर ट्रॉपिक दिस इक्वेटर के पास में है, तो सन का डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट होगा। जो एरिया इस इक्वेटर से दूर होते जा रहे हैं, नॉर्थ में या फिर साउथ में, यहाँ पे इंसोलेशन बिकॉज कम हो रहा है, वर्टिकल नहीं आएगी जो सोलर इंसोलेशन है, तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज होता है और ये पोलर हो जाते हैं। लाइक ये नॉर्थ पोल हो गया, ये इधर साउथ पोल हो गया। तो इन अ वे केवल एक ही चीज़ डिटरमाइन करती है अर्थ में डिफरेंट क्लाइमेट्स, वो होते हैं सोलर इंसोलेशन। एक दूसरा फैक्टर आप बोल सकते हो कि अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है, 23.5 डिग्री एक्सेस, सो उसके कारण भी क्या होता है कि सोलर इंसोलेशन, सन का एपरेंट मूवमेंट होता है और सीजन्स फॉर्म होते हैं। देन ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना, इसमें भी दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है एल्टीट्यूड और एक होते हैं लैटिट्यूड। चैप्टर 1 में पढ़ा था ना, ये जो है ये लैटिट्यूड है, लेटे हुए हैं, तो ये लैटिट्यूड डिटरमाइन करते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट क्या है। अगर टूवर्ड्स नॉर्थ आप जाओगे तो ठंड बढ़ेगी, टूवर्ड्स साउथ जाओगे तो आप ठंड बढ़ेगी। तो दीज आर लैटिट्यूड। दूसरा फैक्टर होता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? हाइट। माउंटेन में आप ऊपर जाओगे तो जो लैटिट्यूड का इम्पैक्ट आ रहा है ना, वही सेम इम्पैक्ट आपका एल्टीट्यूड में भी आने लग जाता है। माउंटेन में आप ऊपर क्लाइम करोगे तो टेम्परेचर फॉल होता है। माउंटेन की जो पीक्स होती है, यहाँ पे स्नो कैप्ड बोला जाता है उन्हें। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस थिंग। नाउ द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम, दैट इज टेम्परेचर, एटमोसफियर में प्रेशर कितना है, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर मतलब तापमान कितना है, एटमोसफियर में प्रेशर कितना है। हम ये जो एटमोसफियर होता है ना, ये इक्वेटर में और देन पोल में भी एक ब्लैंकेट की तरह है जिसने अर्थ को चारों तरफ से कवर कर रखा है। तो ये इतना पूरा जो हाइट है एटमोसफियर की, ये कुछ प्रेशर लगाता है सरफेस में, इसको बोलते हैं एटमोसफेरिक प्रेशर, जिसे 1073 मिलीबार होता है। तो दैट इज एटमोसफेरिक प्रेशर। तो एक जगह प्रेशर ज़्यादा है, एक जगह
जगह प्रेशर कम है। अभी हमने ड्रेनेज में पढ़ा था ना, एनर्जी फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो जहाँ ज़्यादा प्रेशर है कम प्रेशर है तो विंड ऐसे फ्लो होने लग जाएगी। पानी कैसे फ्लो रहा था ड्रेनेज में, हाई एलिवेशन से लोअर एलिवेशन, ये प्रोफाइल देखी थी हमने। और विंड कैसे फ्लो होगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो विंड हमेशा फ्लो होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और जिस डायरेक्शन से आ रही है ना विंड उसका अकॉर्डिंगली उसका नाम हो जाता है, विंड को हम उसी के टाइप से नाम दे देते हैं। तो ये हो गया टेम्परेचर, ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये हो गया विंड। अब विंड ऐसे भी फ्लो हो सकती है एयर का, तो इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ एयर। और विंड वर्टिकली भी, मतलब हवा वर्टिकल, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वर्टिकल भी हो सकता है, तो इसको हम बोलेंगे वर्टिकल सर्कुलेशन। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कितना मॉइस्चर है उसमें, ह्यूमिडिटी, इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, मतलब ये मैक्सिमम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है कि वाटर इससे ज़्यादा कंटेन कर ही नहीं सकती है एयर, सो दैट इज़ मैक्सिमम ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब मैक्सिमम का कितना परसेंट है, 70% है, मतलब मैक्सिमम जो ह्यूमिडिटी एयर में आ सकती है उसका अभी 70% आ चुका है। ये जैसे ही 100% आएगा, मतलब अब इससे ज़्यादा मना कर देगी एयर कि मैं इससे ज़्यादा कैरी नहीं कर सकती। अगर एयर ने मना कर दिया मैं इससे ज़्यादा पानी कैरी नहीं कर सकती, तो वो पानी का क्या होगा, रेन्स या फिर ऐसे करके फॉल हो जाता है। सो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम बताते हैं। हम बोलते हैं ना आज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा लग रही है, एटमॉस्फेरिक में आप वेदर रिपोर्ट देखो वो बताता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यही बताती है कि जो 100 यूनिट्स हैं उसका कितना परसेंटेज अभी उसमें मॉइस्चर है। ये जितना ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी आएगा उतना ही फिर वाटर रेनफॉल ऐसा कुछ होने का चांसेस प्रेसिपिटेशन का बढ़ जाएगा। तो ये थी ह्यूमिडिटी। और प्रेसिपिटेशन क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन अगेन एयर में दिस वाटर वेपर्स थे, ये नीचे गिर गए, दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ये अगर वाटर में फॉर्म में गिरेंगे तो उसको हम रेन्स बोल देंगे, बर्फ जमा हुआ होगा तो उसको हम स्नोफॉल हो सकता है, स्लीट हो सकता है, ड्रिजल अगेन अ फॉर्म, सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये पाँच चीज़ें आपको याद रखनी है, टेम्परेचर, एटमोसफियर, प्रेशर, विंड, सॉरी छह चीज़ें याद रखनी है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस 6 प्रेसिपिटेशन। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशन फ्लक्चुएट होती है वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे, डे में ही काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, सुबह ठंड रहती है, दोपहर में गर्मी हो जाती है, शाम को अगेन, इक्वेटोरियल में जाओगे तो हर शाम को वहाँ पे बारिश होने लग जाती है। सो वेदर चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता है, बट देर इज़ सम कॉमन पैटर्न ओवर अ वीक्स और मंथ। डेज आर कूल और हॉट, विंडी और काम, क्लाउडी और ब्राइट, एंड वेट और ड्राई। ऑन द बेसिस ऑफ द जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन द ईयर इज डिवाइडेड इनटू सीजन। तो ये जो जनरलाइज्ड पैटर्न है कि ठंडा है, गर्म है, हवा चल रही है, ठंडा है, क्लाउड है, ब्राइट है, पानी गिर रहा है या सूखा है, इसके अकॉर्डिंग हम सीजन्स बनाते हैं। तो समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन, ऐसे करके हमने सीजन्स फॉर्म कर दिए। अब जो वर्ड है ना ये डिवाइडेड है क्लाइमेटिक रीजन्स में, अगेन लैटिट्यूड के हिसाब से हमने डिवाइड कर रखा है। डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज़ एंड व्हाई इट इज़ सो। तो जो क्लाइमेट होता है वो भी अगेन किस पे डिपेंड करेगा, ज्योग्राफी, दैट इज़ व्हाई ज्योग्राफी इज़ डेस्टिनी, वी विल लर्न अबाउट इट इन दिस चैप्टर। अब एक टर्म है मॉनसून, मॉनसून एक अरेबिक वर्ड मौसम से डिराइव हुआ है, विच लिटरली मीन्स सीजन। मॉनसून रिफर्स टू सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। तो यूजुअली जैसे ये मॉनसून सीजन आ रहा है तो विंड ऐसे ब्लो हो रही है, जब रिट्रीटिंग मॉनसून का सीजन आएगा तो विंड ऐसे ब्लो होने लग जाएगी फ्रॉम दिस। सो सीजन के अकॉर्डिंग विंड का रिवर्सल हो गया, पहले ऐसे जा रही थी फिर ऐसे आने लग गई, सो दैट इज़ मॉनसून। मॉनसून भी अरेबिक इसलिए बिकॉज ये इंडिया था, इंडिया का ईस्ट में हमने यहाँ देखा था ना, सॉरी दिस इज़ वेस्ट, इंडिया के वेस्ट में हमने देखा था, यहाँ पे क्या है अरेबियन कंट्रीज़ हैं और इनसे हम इस पूरे कोस्ट में ट्रेड करते थे। तो जब विंड ऐसे बहती थी तो ये लोग अपनी शिप लेके इंडिया आ जाते थे, क्योंकि शिप पहले मशीन तो होती नहीं थी, एयर से ही चलती थी, विंड एयर से, तो वो प्रोपेल होके इजीली इंडिया की कोस्ट में आ जाते थे, इंडिया में वो व्यापार करते थे। जब विंड ऐसे फ्लो होने लग जाती थी तो ये अपनी शिप लेके वापस अपने घर चले जाते थे। तो ये ऐसे करके सीजनल टू एंड फ्रो इनका काम बन जाता था। तो अरेबियन देन वहाँ से मौसम है, मैनी अरेबियंस हैं, अरेबियन ज्योग्राफर भी काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका ज्योग्राफी में। अब इंडिया में जो है वो है मानसून क्लाइमेट। This type of climate is found mainly in south and the southeast. South में ये ज़्यादा है इंडिया में। Despite an overall unity in the general pattern, there are perceptible regional variation in climatic condition within the country. तो कंट्री के अंदर भी variations आते हैं because India is again very big country. Coordinates देखे थे ना इंडिया के, 8 degree to 37 degree, 68 to 97 degree. So India में बहुत variations हैं।
लेट्स टेक टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स. फर्स्ट है आपका टेम्परेचर और दूसरा है प्रेसिपिटेशन, एंड एग्जामिन हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सीजन टू सीजन. नाउ समर में मरकरी ओकेजनली टच करता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन सम पार्ट ऑफ द राजस्थान डेजर्ट में, वेर इज इट मे बी अराउंड 20 डिग्री इन पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर. अगेन जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ में भी जा रहे हैं अपन और हाइट भी आ गई है वहाँ पे, हिमालयन आ गए हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है. जबकि राजस्थान में ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है. ऑन अ विंटर नाइट टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर -45 तक चला जाएगा, जबकि तिरुवनंतपुरम में ये केवल 22 डिग्री आ रहा है. अगेन तिरुवनंतपुरम कहाँ है, साउथ में है इधर, तो ये इक्वेटर के भी पास में, समुद्र के भी पास में, तो यहाँ टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा नहीं होगा. और ये द्रास कहाँ पर है, नॉर्थ में है, कॉन्टिनेंटलिटी ज़्यादा आ रही है और प्लस हाइट भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे सी -45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया. सो दिस इज़ द रीज़न कि तिरुवनंतपुरम, जम्मू एंड कश्मीर या फिर से राजस्थान या फिर दिस पहलगाम, यहाँ टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है. इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है. नाउ इन सर्टेन प्लेसेस देर इज़ अ वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट, रात और दिन में भी टेम्परेचर चेंज हो जाता है. जैसे थार डेजर्ट में, थार डेजर्ट में डे में टेम्परेचर कितना हो गया 50 और रात में ये कम होके 15 हो गया. सी द वेरिएशन, 35 डिग्री का फ्लक्चुएट हुआ है. ऑन दी अदर हैंड देर इज हार्डली एनी डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑफ केरला. अगेन बाय अंडमान एंड निकोबार कहाँ पर है, टूवर्ड्स इक्वेटर, और वहाँ पे ओशन भी है उनके आसपास, तो वाटर क्या करता है, मॉडरेटिंग इफेक्ट लाता है, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है अगर वाटर के पास कोई बॉडी होती है तो. सो लेट अस नॉट टुक लुक एट प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश. There are variations not only in the form and types of precipitation but also in its amount, कितना बारिश हो रही है, and seasonal distribution, किस टाइम पे हो रही है. सो वाइल प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन द अपर पार्ट ऑफ हिमालय, तो वहाँ टेम्परेचर कम होता है फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे, तो ये जम जाता है तो स्नोफॉल हो जाती है. इट रेन्स ओवर रेस्ट ऑफ द कंट्री, बाकी कंट्री में बारिश होती है हमारी. एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरी होता है 400 सेंटीमीटर इन मेघालय, दिस इज़ वेरी बिग नंबर, और लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख. लद्दाख में भी कोल्ड डेजर्ट्स भी हैं तो यहाँ पे बारिश ही नहीं होती है. वेस्टर्न राजस्थान हॉट डेजर्ट, थार, यहाँ पे भी बारिश नहीं होती है. मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर. वाई, बिकॉज इस टाइम पे मानसून आता है, साउथ से विंड्स आती हैं और वो पूरा पानी ओशन का कैरी करती है और इंडिया में बारिश हो जाती है. बट सम पार्ट्स लाइक द तमिलनाडु कोस्ट गेट्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग द अक्टूबर एंड नवंबर. वाई, तभी हमने देखा था कावेरी जो रिवर थी ना, इसके अपर कोर्स में इधर वाले मानसून से पानी आता है और जो लोअर कोर्स है तमिलनाडु तरफ उसमें दिस नॉर्थ ईस्ट मानसून से पानी आता है और नीचे आता है साउथ वेस्ट मानसून से पानी आता है. तमिलनाडु में क्या होता है, जैसे ये इंडिया है ना, तो विंड्स ऐसे फ्लो हो रही हैं, विंड्स ऐसे फ्लो हो रही है, और विंड्स को अगर वाटर बॉडी मिल गई से बे ऑफ बंगाल मिल गया तो यहाँ से पानी कैप्चर कर लेंगी, ये पानी पिक कर लेंगी, मॉइस्चर पिक करेंगी, और फिर ये जब इधर कोस्ट पे आती है तो यहाँ पे पानी गिर जाता है. सो दैट इज़ वाई चेन्नई में पानी आता है दिस नॉर्थ ईस्ट मानसून से. और विंड में देखा था ना, विंड जिस डायरेक्शन से आती है हम उसका नाम उसके अकॉर्डिंग रखते हैं, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, विंड ऐसे आ रही है तो ये नॉर्थ ईस्ट विंड कहलाएगी, ये साउथ है, ये वेस्ट है, विंड ऐसे आ रही है तो ये साउथ वेस्ट मानसून मतलब साउथ वेस्ट विंड हो जाएगी. नाउ कोस्टल एरिया में एक्सपीरियंस करते हैं लेस कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मीन्स वेरिएशन इन टेम्परेचर कंडीशन. सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री, मतलब कॉन्टिनेंटलिटी ज़्यादा आ गई है. डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन. डायरेक्शन एकदम याद कर लीजिए, ईस्ट टू वेस्ट मतलब प्लेन में हम ऐसे जा रहे हैं बे ऑफ बंगाल में, तो देखो बिहार देन बंगाल तरफ ज़्यादा पानी है, बिहार यूपी दिल्ली आते आते पानी कम हो जाता है. Then these variations have given rise to variety in lives of people in terms of food they eat, clothes they wear, and also the kind of houses they live in. Geography is destiny, the world is the kiln, we are the clay. Why the houses in Rajasthan have thick walls and flat roof? Again, temperature ज़्यादा है तो ये moderate करने की कोशिश कर रहे हैं. Why is it that houses in the तराई region? तराई region देखा था ना, ये जो हिमालय के जस्ट नीचे वाला region था जहाँ पर river emerge कर रही थी, तो तराई region एंड in Goa, Mangalore have sloping roof. Sloping roof क्यों है यहाँ पे? Why houses in Assam are built on stilts? These are very good question. इसको आप find करो, try to find the answer of these question. ये find out है, try to answer these question. Now, अब हम देखते हैं climatic control. Control क्या हो रहा है? See, ये 6 major controls होते हैं जो climate को determine करते हैं. पहला latitude. Latitude मतलब लेटे हुए हैं, these equator, और ये लेटे हुए north, ये लेटे हुए south, these are latitude. Then altitude. Altitude का मतलब क्या होता है? Altitude मतलब height. Height, altitude.
प्रेशर, प्रेशर मतलब प्रेशर का है कितना है, विंड सिस्टम, प्रेशर इन विंड सिस्टम, देन डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी के पास रहेगा तो मॉडरेटिंग इफेक्ट आएगा, मुंबई में सीजन्स ही नहीं आते हैं, सेम थ्रू आउट लगा रहता है, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है, दिल्ली में ठंड भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, फिर ओशियन करेंट्स, ये ओशियन करेंट्स भी क्लाइमेट टेम्परेचर को फ्लक्चुएट करते हैं, एंड रिलीफ फीचर मीन्स वहाँ पे माउंटेन्स हैं या फिर क्या प्लेन्स हैं, ये रिलीफ फीचर क्या है, सो दीज आर सिक्स मेजर कंट्रोल. First is latitude, second is altitude, third is pressure and wind, fourth is continentality, and fifth is current, and sixth is relief feature. Now, ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, अर्थ का क्या है, एक कर्वेचर ऐसे घूमी हुई है, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू इट्स लैटिट्यूड, एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, तो इक्वेटर, ये इक्वेटर है, ये पोल है, तो जो टेम्परेचर है वो यूजुअली यहाँ ज़्यादा होता है और पोल तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होने लग जाता है, बिकॉज सन की रेज भी सीधी आ नहीं रही है, ऐसी ऐसी आ रही है, और सन अगर साउथ में चला गया तो यहाँ पे तो सन रेज आएंगी ही नहीं, तो छः महीने तक नॉर्थ पोल में अंधेरा रहता है, दिन आता ही नहीं है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम हो गया. अब एज वन गोज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड द एटमोसफियर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज, द हिल्स आर देयरफॉर कूलर ड्यूरिंग समर्स. सो अब एल्टीट्यूड में भी हम देखें, अगर हाइट ज़्यादा होती है ना तो डेंसिटी कहाँ पे होती है, डेंसिटी सरफेस के पास ज़्यादा है, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं एटमॉस्फेयर में तो एटमॉस्फेयर का ऊपर का वेट भी कम हो रहा है, जो इस पे प्रेशर लगेगा, प्रेशर भी कम हो रहा है तो डेंसिटी भी कम हो रही है, तो दैट इज़ वाई जैसे जैसे हम हाइट बढ़ा रहे हैं हमारा ये लेस डेंस हो रहा है और टेम्परेचर कम हो रहा है. हिल्स आर देयरफॉर कूलर ड्यूरिंग द समर, तो दैट इज़ वाई समर में हम लोग क्या ट्राई करते हैं कि हम चले जाएँ हिल स्टेशन में. हमने अभी देखा था बहुत सारे हिल स्टेशन ब्रिटिशर्स ने बनाए थे चैप्टर नंबर 2 में, रिमेंबर, वो इसीलिए बनाए थे समर्स में, वो वहाँ चले जाते थे. जम्मू एंड कश्मीर में भी दो कैपिटल बना दी थी, समर कैपिटल विंटर कैपिटल. नाउ प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, लेटे हुए लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड हाइट, डज इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न. नाउ सी एक्सर्ट्स अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेज, इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑल्सो डिक्रीजेज, मतलब जितना दूर हम सी से जाते जा रहे हैं, दिल्ली यहाँ पर है तो यहाँ पर मॉडरेशन नहीं है, मुंबई यहाँ पर है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा मॉडरेशन हो जाता है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आती है दिल्ली में, सो दिस कंडीशन इज नोन एज Continentality, that is very hot during summer and very cold during winter. अब हम बात करते हैं ocean current की, पानी क्या होता है, समुद्र का ऐसे बहता रहता है, तो कई बार ये river की तरह ऐसे current formation हो गया है, एक particular direction में flow हो रहा है, जैसे you can say gulf stream है या फिर there are so many streams, तो ये जो streams होती है ना, ये अगर equator से north की तरफ जा रही हैं तो ये hot current होते हैं, वार्म current होते हैं, और अगर north से इधर की तरफ आ रहे हैं तो ये cold current होते हैं, तो वार्म करंट और कोल्ड करंट डिटरमाइन करते हैं कि ये किस एरिया में हो रहा है, जैसे बेनगुएला करंट देखो, है ना, तो ये डिटरमाइन करते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट वेदर क्या होगा. गल्फ स्ट्रीम क्या होती है, गर्म वार्म करंट है बिकॉज इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, अब ये यूरोप के पोर्ट्स में जाती है तो वहाँ पे स्नो मेल्ट कर देती है, वहाँ पे पानी जमता नहीं है, तो अगेन यहाँ पे ठंड बहुत थी बट इस गल्फ स्ट्रीम ने गर्म पानी ले आई तो यहाँ पे इसने मॉडरेशन कर दिया. सो ओशियन करंट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Along with onshore winds affect the climate of the coastal area. For example, any coastal area with warm or cold current flowing past it will be warmed or cooled if the winds are onshore. Now, let us talk about the finally relief. Relief मतलब उसका कैसा relief है. Mountains हैं, barriers हैं, cold or hot winds. They may cause precipitation if they are high enough and lie in the path of rain bearing. इसका perfect example है Western Ghats. यहाँ से winds आती हैं. Western Ghats की ऐसे height है तो ये विंड का क्लाउड्स ऊपर उठेंगे, ऊपर उठेंगे तो इनका वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम होगा, टेम्परेचर कम होगा और ये इसी साइड पे पूरा बारिश करा देंगे. इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल. तो रिलीफ प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल. द लीवर्ड साइड मतलब दूसरा साइड, ये तो विंडवर्ड साइड हो गया, इधर वाला लीवर्ड साइड माउंटेन रिलेटिवली ड्राई हो जाता है. नाउ तो इंडिया में ये तो ओवरऑल क्लाइमेटिक कंट्रोल थे. अब इंडिया में क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को, सी एक है लैटिट्यूड, लेटे हुए हैं लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ.
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू द मिजोरम इन द ईस्ट। कल एक क्वेश्चन पूछा था ना, सारे स्टेट्स के नाम बताइए जिससे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है। रन ऑफ कच्छ गुजरात से लेके इवन राजस्थान से भी पास हो रही है, वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया। तो ट्रॉपिकल मतलब ये होता है कि ऊपर ये है कैंसर, नीचे कैप्रिकॉन है, इसके बीच के एरिया को हम ट्रॉपिक्स बोल देते हैं। ट्रॉपिक्स लाइज द सब ट्रॉपिक, सब मतलब परे, ट्रॉपिक के ऊपर सब ट्रॉपिक हो गया। इंडिया का क्लाइमेट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल, बिकॉज ये इंडिया था, ये ट्रॉपिक आ गया, ट्रॉपिक के ऊपर सब ट्रॉपिक हो गया, इधर ट्रॉपिक हो गया, तो इंडिया में सब ट्रॉपिक भी हो गया और ट्रॉपिक भी हो गया। तो इंडिया का क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल भी है, इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल भी है। अब हम बात करते हैं एल्टीट्यूड का, मतलब हाइट। इंडिया में माउंटेन्स बहुत सारे हैं, नॉर्थ में 6,000 meters उनकी हाइट है। वास्ट कोस्टल एरिया भी है इंडिया में, मैक्सिमम एलिवेशन अराउंड 30 meters है, सो वेरिएशन बहुत है इंडिया में। द हिमालयस प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट। तो विंड, ये हिमालय बैरियर आ जाता है, तो ऊपर जो तिब्बत और साइबेरियन जो विंड्स आ रही हैं वो इंडिया में नहीं आ पाएंगी, हिमालय उनको ऊपर ही स्टॉप कर देता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स दैट दीज सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंसेस कंपैरेटिवली माइल्डर विंटर्स एज कम्पेयर टू द सेंट्रल एशिया। हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हमारे यहाँ। फिर आता है प्रेशर एंड विंड। प्रेशर मतलब एटमोसफियर है, एटमोसफियर सरफेस पे एक प्रेशर लगा रहा है, तो ये प्रेशर भी अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रेशर होगा। जिस एरिया में हाई प्रेशर हो गया, एक जगह लो प्रेशर हो गया, तो अगेन एनर्जी फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, तो ऐसे करके विंड हो जाएगी। विंड बिकॉज इस डायरेक्शन से आ रही है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, तो इसको हम नॉर्थ ईस्ट विंड बोल देंगे। अब क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवर्न बाय द फॉलोइंग एटमोसफेरिक कंडीशन, जैसे कि प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन। हमने देखा था ना, विंड या तो ऐसे भी ट्रेवल कर सकती है, ऐसे भी ट्रेवल कर सकती है, तो अपर एयर सर्कुलेशन भी होता है। फिर एक होता है वेस्टर्न साइक्लोनिक, न्यूज़पेपर में हम डेली इसको पढ़ रहे हैं पास्ट सम टाइम, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज, जो इंडिया में नॉर्थ में अभी पानी गिरा है पंजाब में एंड ऑल, सो दैट वॉज वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज, जो मेडिटेरेनियन से पानी आता है। नाउ इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अब अगेन ये आई डोंट नो इस बुक में ये है स्कोप में, बट जो पूरा वर्ल्ड है ना, ये बहुत सारी बेल्ट्स में डिवाइडेड है। लेट मी टेल यू क्विकली, जैसे ये एक विंड अपना इक्वेटर आ गया, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, विंड ऊपर की तरफ राइज करेगी, ऊपर राइज करेगी तो ये अगेन एटमॉस्फेयर क्रॉस करके स्पेस तो जा नहीं सकती, तो ये लेफ्ट जाएगी और राइट जाएगी, लेफ्ट जाएगी देन सबसाइड होगी, ये नीचे आएगी, नीचे आएगी 23.5 degrees के अप्रॉक्सीमेटली। अब सरफेस में भी ये अर्थ के अंदर तो जा नहीं सकती, तो ये टूवर्ड्स इक्वेटर सरफेस में फ्लो होने लग जाती है, तो ये एक ऐसे सेल फॉर्मेशन हो गया। सी, ये एक सेल फॉर्मेशन हो गया, इसको बोलते हैं हेड पे बनाए तो हेडलेस सेल। देन यहाँ सबसाइड हुई थी, ये ऐसे आ गई, इधर सबसाइड हुई थी तो कुछ इधर गई थी तो कुछ इधर भी गई होंगी, इधर गई देन अगेन राइज होती है, फिर एक ऐसा सेल बन जाता है यहाँ पे, है ना, दैट इज़ कॉल्ड दिस फेरल सेल। अब देन यहाँ पे भी एक ऐसा सेल बन जाता है जिसको हम बोलते हैं पोलर सेल। तो ऐसे करके अपर सर्कुलेशन एक विंड यहाँ का हो रहा है, तो सरफेस में भी ट्रेवल कर रही है और ऊपर ऐसे कंप्लीट एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों में हो रहा है। अब ये जो विंड्स होती हैं, तो यहाँ पे आपकी ट्रेड विंड्स आ जाएंगी, देन आपकी ट्रेड विंड्स आएंगी, तो इस तरीके से ये जो बेल्ट्स फॉर्म हुई है 23.5 degrees में हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, सरफेस की बात कर रहे हैं, ये हाई प्रेशर है, तो विंड्स अगेन ऐसे ब्लो होगी, ऐसे ब्लो होगी। फिर इसमें कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कोरिओलिस का, विल सी इन हायर चैप्टर्स, हायर क्लासेस। नाउ दे ब्लो साउथवर्ड्स गेट डिफ्लेक्टेड इन द राइट, ओनो यहाँ लिखा है कोरिओलिस फोर्सेज एंड मूव टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर। अब कोरिओलिस फोर्स होता है ना, वो इसको ऐसे डिफ्लेक्ट करने लग जाता है, तो दैट इज वाई विंड का फिर फाइनल ऐसा डायरेक्शन आ जाता है। जनरली दीज विंड्स कैरी लिटिल मॉइस्चर एज दे ओरिजिनेट फ्रॉम ब्लो ओवर लैंड। अब विंड जहाँ से ब्लो हो रही है, अगर लैंड टू सी आ रही है तो लैंड में तो पानी नहीं था, तो अगर ऐसे आ रही है तो उसके पास मॉइस्चर नहीं होगा, वो ड्राई होगी। बट अगर सी से लैंड जा रही है तो सी में पानी था, तो ये मॉइस्चर कैरी कर लेगी, तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी विंड्स, दीज विंड्स वुड बी रेन कैरिंग, वाटर कैरिंग विंड्स हो जाएंगी। जनरली दीज विंड्स कैरी लिटिल मॉइस्चर एज दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड, देयरफॉर दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन, हेंस इंडिया शुड हैव बीन एन एरिड लैंड बट इट इज़ नॉट सो, लेट अस सी व्हाई। कोरिओलिस फोर्स क्या होता है, एपेरेंट फोर्स है कॉज्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन, अर्थ बहुत रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, तो कोरिओलिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स टूवर्ड्स द राइट इन द नॉर्थ। नॉर्थ में विंड को ऐसे जाना था, बट कोरिओलिस फोर्स उसको इधर घुमा देगा, तो विंड ऐसे चली जाएगी। फिर साउथ में कोरिओलिस फोर्स को अगेन से ऐसे जाना था, विंड इसको
जो कोरियोलिस फोर्स है ये टुवर्ड्स लेफ्ट करेगा, लेफ्ट एंड राइट अगेन डायरेक्शन में देखा जाता है, अगर ऐसे जा रहा है ना तो ये इसका राइट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया। सो कोरियोलिस फोर्स सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ लग जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ लग जाएगा। दिस इज कॉल्ड फेरल्स लॉ। नाउ प्रेशर एंड विंड कंडीशन ओवर इंडिया आर यूनिक। ड्यूरिंग विंटर देर इज अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयस, कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशंस टू द साउथ। समर में जस्ट उल्टा हो जाता है, समर में क्या होता है, जैसे इंडिया है ना, समर में ऐसे विंड ब्लो होने लग जाती है, समर्स में ये समर्स है और विंड ऐसे ब्लो हो रही है तो ये मानसून हो गया, और जो विंटर्स होता है उसमें विंड्स ऐसे ब्लो हो जाती है और ये हो जाता है आपका विंटर रिट्रीटिंग जो हम इसे बोलते हैं। नाउ लो प्रेशर एरिया डेवलप ओवर इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, सो दिस कॉजेज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग समर, और इसी से क्या हुआ आपका विंड फॉर्मेशन हो गया, रिवर्सल हो गया, मॉनसून आ गया। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशियन इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, क्रॉसेज द इक्वेटर एंड टर्न्स राइट टूवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ क्या लिखा है, ये इक्वेटर थी, विंड ऐसे आ रही थी, ये ऐसे करके आगे घूमती है और ये यहाँ पे ऐसे इंडिया में मॉनसून ऐसे आ जाता है, दिस वाज इक्वेटर। सो एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ऑफ द सदर्न इंडियन ओशियन इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, क्रॉसेज द इक्वेटर एंड टर्न्स राइट टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया ओवर द इंडियन कॉन्टिनेंट। सो बहुत सारे फैक्टर्स लग रहे हैं मॉनसून को कंप्लीट करने के लिए, सो दीज आर नोन एज साउथ वेस्ट मॉनसून विंड। कहाँ से आ रही है, साउथ वेस्ट, तो दीज आर साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशन, गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेनलैंड ऑफ इंडिया। तो ये बारिश करा दिया। अब देखते हैं अपर एयर सर्कुलेशन, इसमें एक टर्म होता है जेट स्ट्रीम्स, ऊपर गार्लैंड टाइप ये फ्लो करती है, ये जैसे अर्थ है ना, दिस इज गार्लैंड टाइप ये फ्लो हो रही है जेट स्ट्रीम्स। रीजन डोमिनेटेड बाय वेस्टर्ली फ्लो, इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट जेट स्ट्रीम्स है। ये जो जेट स्ट्रीम्स है ये अराउंड 27-30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में होती है, लैटिट्यूड 23.5 मतलब कैंसर के जस्ट ऊपर। देयरफॉर दे आर नोन एज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिक के जस्ट परे है तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ओवर इंडिया दीज जेट स्ट्रीम्स ब्लो साउथ ऑफ द हिमालय ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर। तो समर से पहले ये हिमालय है ये अराउंड 23.5 डिग्री तक आ जाती है, ये वाली जो जेट स्ट्रीम्स है ये फ्लो होती रहती है एक्सेप्ट समर। समर आते ही गर्मी बढ़ती है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री आर ब्रॉट इन बाय दिस वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। जो अभी ठंड में बारिश होती है ना पंजाब एंड दिल्ली एंड ऑल, ये होती है बिकॉज ऑफ दिस जेट स्ट्रीम। तो क्या हुआ, समर में ये अचानक ऊपर चली जाएंगी और यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो ये इसको फिल करने के लिए सरफेस प्रेशर, ये यहाँ से ऐसे विंड्स आ जाएंगे। तो दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन जो मॉनसून होता है, ये हम और डिटेल में देखेंगे इन हायर क्लासेस। नाउ समर में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स मूव्स फ्रॉम नॉर्थ ऑफ द हिमालय विद द एपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। सन नॉर्थ में जा रहा है तो ये विंड और नॉर्थ में शिफ्ट हो गई, तो हिमालय के साउथ में थी ना, साउथ में नहीं रहेगी और नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी ये जेट स्ट्रीम्स। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम फॉर्म होगी जो होगी सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो होगी पेनिनसुलर इंडिया में, ये 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ। तो अब ये वाली जेट स्ट्रीम्स ईस्टर्ली मतलब ईस्ट से आ रही है, विंड जिस डायरेक्शन से आती है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम बन जाता है। सो वॉट इज वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज, जो अभी रेनफॉल हुआ था ये क्या होता है, वेदर फिनोमिनन है विंटर मंथ में, वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी, ये इन्फ्लुएंस करते हैं वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया। ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर करते हैं मॉनसून में, ओडिशा एंड ऑल काफ़ी रेनफॉल होता है, ये यूजुअली मॉनसूनल सीजन में आता है अक्टूबर नवंबर के बाद, एंड पार्ट ऑफ द ईस्टर्ली फ्लो। दीज डिस्टर्बेंसेज अफेक्ट द कोस्टल रीजन्स ऑफ द कंट्री, हैव यू हर्ड अबाउट द डिजास्टर, सी काफ़ी साइक्लोन्स यहाँ पे आते हैं ओडिशा एंड आंध्रा में इन दिस मंथ, इस पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज जेट स्ट्रीम, ये एक नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड, बहुत ऊपर आसमान में रहती है ये 12,000 मीटर पे, नैरो है, ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर भी क्या होता है, ये अर्थ का लेयर होता है, लाइक ट्रोपोस्फेयर देन ट्रोपोपोस्फेयर, इस तरीके से डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर है ये। सो ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे होता है, जितना भी वेदर एक्टिविटी होता है वो सारा इस ट्रोपोस्फेयर में होता है। यहाँ पे स्पीड वेरी करती है 110 सी, दे आर वेरी फास्ट मूविंग 184। नंबर ऑफ सेपरेट जेट स्ट्रीम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, द मोस्ट कॉन्स्टेंट इन मिड लैटिट्यूड एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इज इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं मॉनसून के बारे में, इंडियन मॉनसून सी।
जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया होता है ना, ये स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड है मॉनसूनल विंड से. मॉनसून ही हमारे यहाँ गॉड है. मॉनसून से ही हमारी खेती होती है, एग्रीकल्चर होता है, पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती है मॉनसून कैसा आया है इंडिया में. सेलर्स हु कम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम्स वर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस द फिनोमेनन ऑफ द मॉनसून, सो दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम एज दे केम बाय सेलिंग शिप्स एट द मर्सी ऑफ विंड्स. अरब्स ऑल्सो कम टू इंडिया ट्रेडर नेमली द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड एज मॉनसून. जब इंडिया में विंड इस डायरेक्शन में फ्लो होती थी तो वो इंडिया आ जाते थे, जब इस डायरेक्शन में होती थी तो वो वापस अपने अरब चले जाते थे. सी दिस इज अराइवल ऑफ मॉनसून. दिस इज इंपॉर्टेंट. सी दिस इज अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल. ये विंड्स ऐसे करके फिर ऐसे आगे चली जाती है यहाँ पे. दिस बिकॉज ऑफ दिस कोरियोलिस फोर्स, ये ऐसे करके साउथ वेस्ट मॉनसून फॉर्म हो जाता है. और देन बे ऑफ बंगाल से ऐसे विंड जाती है तो यहाँ से पानी कैरी करती है और ये यहाँ पे रेनफॉल हो जाता है. कहाँ पे? दिस तमिलनाडु में. नाउ दिस इज सरफेस विंड्स. सरफेस विंड्स मतलब ये सरफेस में ब्लो हो रही है. दीज आर सरफेस विंड्स. और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ये एल्टीट्यूड पे मतलब हायर हाइट पे हो रही है ये वाली विंड्स. ये तो समर में ये नीचे यहाँ तक आ जाती है विंटर्स में, और जैसे ही समर आता है ये ऊपर शिफ्ट हो जाती है बिकॉज सन भी ऊपर आ गया है. तो दैट इज़ वाई प्रेशर डिफरेंसेस होते हैं और ये ऑनस्लॉट ऑफ मॉनसून होता है. ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम मतलब ईस्ट से ऐसे करके यहाँ से आ रही है ये. सो दीज आर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी. अभी देखो विंटर है ना, तो ये वाली जो तिब्बत प्लेटू है इसको बाइफरकेट कर दिया इस जेट स्ट्रीम को, ऊपर चली गई और नीचे चली गई. तो ये नीचे में अभी विंटर में इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 degrees तक आ गई है. जैसे ही समर आएगा ये यहाँ से डिसअपियर हो जाएगी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से. ये जो इंडिया को दो पार्ट में कर रही है, इसके ऊपर वाला हो गया सब ट्रॉपिकल, ये वाला हो गया ट्रॉपिकल. ओके नाउ अब क्या हुआ, अब आया आपका जून. जून में देखो ये विंड पूरी चली गई, यहाँ पे जो थी ना ये डिसअपियर हो गई, ये डिसअपियर हो गई. और ये जो सरफेस विंड्स है मतलब ज़मीन पे चल रही है, ये ऐसे करके ब्लो होने लग गई और हमारे यहाँ मॉनसून आ गया. ये मॉनसून आ गया और विंटर में देखो ये ऐसे आ रही थी. तो विंटर रेन्स आपकी तमिलनाडु की कोस्ट में होती हैं. दिस इज़ अ वेरी गुड फिगर. 4.2 एंड फिगर 4.3 आर एक्सेलेंट. ये सरफेस विंड्स है और यहाँ पे बनी आपकी ट्रॉपिकली ईस्टर्न जेट स्ट्रीम्स. कहाँ पे? ये ट्रॉपिकली ईस्टर्न जेट स्ट्रीम फॉर्मेशन हो रहा है. कब हो रहा है? समर्स में हो रहा है. ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है समर इंडिया में मॉनसून लाने का. और ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये डिसअपियर हो गई ऐसी, ये यहाँ तक आई फिर डिसअपियर हो गई इंडिया में समर्स में हट गई, और एक ये नई ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स आ गई. तो ये दोनों ऑनस्लॉट करते हैं अराइवल ऑफ मॉनसून इन इंडिया. अब यहाँ पे क्या लिखा है, द मॉनसून आर एक्सपीरियंसड इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली 20 degrees north एंड 20 degrees south. 20 north एंड साउथ पे ये आते हैं. टू अंडरस्टूड द मैकेनिज्म ऑफ द मॉनसून फॉलोइंग फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट. पहला, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. वाटर बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता है, बहुत जल्दी गर्म भी नहीं होता है. जो लैंड होती है ये बड़ी विम्जिकल होती है, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाएगी. सो क्रिएट लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया वेयर द सीज अराउंड एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली हाई प्रेशर. तो अगर टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा बना रहता है, और अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा है मतलब विंड का अपड्राफ्ट हो रहा है, ऊपर मूव हो रही है, तो सरफेस में प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. शिफ्ट ऑफ द पोजिशन ऑफ ITCG. ये क्या चीज़ है? जो इक्वेटर थी ना यहाँ पे फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल दिस कन्वर्जेंस जोन. मतलब विंड्स सब ट्रॉपिकल हाई से यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, ITCG फॉर्म होता है. तो सन अगर ऊपर मूव हो रहा है तो ये भी ऊपर मूव होगा, सन साउथ में मूव हो रहा है तो ये भी साउथ में मूव होगा. तो समर्स में सन क्या हो रहा है? नॉर्थ में आ रहा है, इंडिया के पास आ रहा है, तो ये ITCG भी नॉर्थवर्ड मूव हो जाएगा. समर में ये गंगा प्लेन तक आ जाता है, इक्वेटोरियल ट्रो पोजिशन 5 degrees north ऑफ द इक्वेटर. तो दिस इज कॉल्ड मॉनसून ट्रो ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन. नाउ द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर. मेडागास्कर कहाँ पर है? ये मेडागास्कर, पेंगुइन्स ऑफ मेडागास्कर, दिस इज मेडागास्कर. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ईस्ट ऑफ मेडागास्कर में हाई प्रेशर एरिया हो गया, हाई प्रेशर एरिया यहाँ हो गया 20 degrees south में. इंटेंसिटी एंड पोजिशन ऑफ दिस हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट्स द इंडियन मॉनसून. अब एक और फैक्टर क्या हुआ, तिब्बतन प्लेटू गेट इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर विच स्ट्रॉन्ग वर्टिकल, और जो सरफेस है वहाँ पे लो प्रेशर एरिया हो जाएगा. मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकली ईस्टर्न जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला. सो अगेन लेट मी एक्सप्लेन यू, बड़े आराम से ध्यान से सुनना आप इंडियन मॉनसून कैसे आ रहा है. सी यहाँ पे क्या हुआ, समर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपका दिस मेडागास्कर में प्रेशर ज़्यादा हो रहा था इस एरिया में, सरफेस की बात कर रहे हैं, है ना. और इधर के ऊपर हाइट पे आ गई दिस, क्या आ गई, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आ गई. तो सरफेस की बात करें तो ऊपर से प्रेशर आ रहा है और यहाँ पे भी प्रेशर
हाई हो रहा है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया हो गया, और यहाँ पे तिब्बतन प्लेटू में सरफेस हीट हो रही है, सन ज़्यादा हीट कर रहा है, तो यहाँ पे सरफेस पे लो हुआ, विंड का अपड्राफ्ट हुआ, तो यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया आ गया, यहाँ पे एक हाई प्रेशर एरिया आ गया, और जो ITCZ था वो भी क्या हो गया, नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो गया, तो सारी विंड्स फिर ऐसे करके फ्लो होने लग जाएगी, इन आएंगी, सो दैट इज़ वाई ये आता है साउथ वेस्ट मॉनसून। अगेन ये काफ़ी क्रूड वे में हम समझ रहे हैं, बट बेसिकली दीज ऑल प्लेयर्स इसमें अफेक्ट करते हैं इंडिया में अराइवल ऑफ मॉनसून में। और अगेन ऊपर जो ये वाली विंड थी, कौन सी विंड थी, ये जेट स्ट्रीम थी, इसका जो सदर्न ब्रांच था वो डिसअपियर हो गई थी, मतलब हवा में ऊपर एल्टीट्यूड में ये ब्रांच डिसअपियर हो गई है, मतलब नीचे प्रेशर नहीं आ रहा है सरफेस पे, तो अगेन यहाँ पे प्रेशर आपका इस एरिया में लो प्रेशर हुआ, इस एरिया में हाई प्रेशर हुआ, और हमें विंड फ्लो करने के लिए बस यही चाहिए, हाई प्रेशर लो प्रेशर, और विंड को हम ऐसे फ्लो करा देंगे, तो ऐसे करके साउथ वेस्ट मॉनसून आ गया। जनवरी में विंटर में जस्ट ऑपोजिट होगा और विंड ऐसे आ जाएगी। सो दिस इज़ हाउ ये सारे फैक्टर्स आते हैं, डिफरेंशियल हीटिंग, ITCZ, हाई प्रेशर मेडागास्कर में, तिब्बतन प्लेटू, और दिस वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और दिस ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये पांच चीज़ें होती है जो मॉनसून इंडिया में ऑनस्लॉट कर देती है। ब्यूटीफुली रिटन दिस। अब आते हैं ITCZ में। ITCZ जो है ना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये ट्रो और लो प्रेशर होता है इक्वेटोरियल लैटिट्यूड में, इक्वेटर के पास में, यहाँ कन्वर्ज हो रही है विंड्स, नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज होती है यहाँ पे, सो दिस इज कन्वर्जेंस जोन, लाइज मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर बट मूव्स नॉर्थ और साउथ विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। सन मूव करता है, ये भी मूव करता है, समर आ रहा है तो ये नॉर्थ जाएगा, साउथ में सन जा रहा है तो ये भी साउथ में चला जाएगा, सन अगर इक्वेटर पे है तो ये भी सन पे रहेगा, तो ये कीप ऑन मूविंग, और ये एकदम सीधा भी नहीं होता है, इसमें ट्रोज वगैरह भी फॉर्मेशन होता रहता है। Apart from this, it has also been noticed that changes in the pressure condition over the Southern Ocean also affect the monsoons. So normally, when the tropical eastern South Pacific Ocean experience high pressure, अब अपन oceans को भी consider कर रहे हैं, तो जो South Pacific Ocean है वहाँ अगर high pressure है तो tropical Indian Ocean experiences low pressure. अगेन प्रेशर पैसिफिक इधर ज़्यादा है, इधर लो है। सर्टेन ईयर देर इज़ अ रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन इन द ईस्टर्न पैसिफिक, जो है वहाँ लोअर प्रेशर हो गया कंपैरिजन टू ईस्टर्न इंडियन ओशन, तो ये फ्लक्चुएट हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन, ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ पे। द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर ताहिती, वेर इज ताहिती, लुक इन मैप, पैसिफिक ओशन में, और डार्विन, डार्विन का है ऑस्ट्रेलिया में ऊपर, दिस इज इंडियन ओशन, तो इन दोनों के डिफरेंसेस के कारण ये एक सदर्न ऑसिलेशन फॉर्म हो गया है। अब इसको प्रेडिक्ट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ द मॉनसून के लिए, द प्रेशर डिफरेंस वर नेगेटिव इट वुड मीन बिलो एवरेज इन लेट मॉनसून। सी रिमेंबर दिस थिंग, अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल हो रहा है मतलब इंडिया में ज्यादा रेन आएगा, अगर नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल हो रहा है मतलब इंडिया में रेन कम होगा, जो इंडिया में होगा उसका उल्टा ऑस्ट्रेलिया साइड होगा। देन इफ द प्रेशर डिफरेंसेज वर नेगेटिव इट वुड मीन बिलो एवरेज इन लेट मॉनसून। ओके, नाउ इट वुड मीन बिलो एवरेज, अ फीचर कनेक्टेड विद द एसओ इज द अल नीनो, अल नीनो इफेक्ट काफ़ी हम सुनते हैं, इन विच वार्म ओशन करेंट दैट फ्लोज पास्ट ऑफ द पेरुवियन कोस्ट, पेरुवियन कहा था साउथ अमेरिका में, यहाँ पे वार्म करेंट आ जाता है इन प्लेस ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करेंट, तो उधर जो वेदर चेंज हो रहा है, दिस करंट चेंज हो रहा है, ओशियनिक करंट चेंज हो रहा है, उसका इम्पैक्ट इंडियन मॉनसून में भी आ जाता है, अल नीनो एंड ला नीना, सो दिस चेंज इन प्रेशर कंडीशंस आर कनेक्टेड टू द अल नीनो, इस फिनोमिनन को अल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस भी बोलते हैं। नेम गिवन टू द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशन करंट आ जाता है कोस्ट ऑफ पेरू में इंस्टेड ऑफ कोल्ड करंट, कोल्ड करंट था मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा थी, स्टेबिलिटी ज़्यादा थी मतलब बारिश कम हो रही थी, तो दैट इज़ वाई ये जो सदर्न अमेरिका का जो पेरुवियन करंट होता है, कोल्ड करंट होता है, ये ठंडा वहाँ पे स्टेबिलिटी लाता है और बारिश नहीं होती है, बट अगर वार्म करंट आ जाता है वहाँ पे तो वहाँ पे वेदर इनस्टेबिलिटी आती है और बारिश होने लग जाती है। अल नीनो स्पेनिश वर्ड है, द चाइल्ड रिफर्स टू द बेबी क्राइस्ट, फ्लो होता है ड्यूरिंग क्रिसमस, द प्रेजेंस ऑफ अल नीनो लीड टू एन इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर एंड वीकनिंग ऑफ ट्रेड विंड्स इन द रेंज, और दैट इज हाउ ये सब कनेक्टेड होता है, एटमोसफियर, दिस ओशन, दिस अल COVID-19 वायरस, हम आपस में कनेक्टेड हैं, अगर एक जगह प्रॉब्लम होती है सब जगह वो प्रॉब्लम स्प्रेड हो जाती है। द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड द विड्रॉवल देखते हैं। सी लेट अस कंप्लीट दिस वीडियो एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो इटसेल्फ, थोड़ा बड़ा हो रहा है, पे अटेंशन, और थोड़ा सा बस बचा है ये, बट हम इसको एक सिटिंग में पूरा कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट वन, ऑनसेट कैसे हो रहा है यहाँ पे, द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉवल। सी
मॉनसून अनलाइक द ट्रेड्स आर नॉट स्टेडी विंड्स बट आर पल्सेटिंग इन नेचर. पल्सेटिंग मीन्स ऐसे कभी ज़्यादा आ जाता है कभी कम आ जाता है. अफेक्टेड बाय डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एनकाउंटर्ड बाय इट. सो ऑन इट्स वे ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सी. वार्म ट्रॉपिकल सी में द ड्यूरेशन ऑफ द मॉनसून इज बिटवीन 100 टू 120 डेज फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सेप्टेंबर. अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज सडनली एंड कंटिन्यूज कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डे. इसको हम बोलते हैं बस्ट. तो दैट इज वाई पल्सेटिंग है. कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा कभी बहुत कम होगा. एंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम प्री मॉनसून शॉवर. प्री मॉनसून क्या होते हैं? लाइक मैंगो शॉवर्स एंड ऑल, चेरी ब्लॉसम, ये मॉनसून के जस्ट पहले शॉवर्स होते हैं. मॉनसून अराइव एट द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला फर्स्ट वीक ऑफ जून. फर्स्ट जून को आ जाता है, फिर धीरे धीरे पूरे इंडिया में ग्रेजुअली राइज होगा. दो फेसेस इसके होते हैं, एक अरेबियन सी ब्रांच होती है, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है. अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल. अरेबियन सी ब्रांच रीच करती है मुंबई 10 दिन में 10th जून को, फेयरली रैपिड एडवांस होता है. बे ऑफ बंगाल क्या होगी? जैसे ये ब्रांच है, ये अरेबियन ब्रांच है और ये यहाँ से बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ये एडवांस रैपिडली असम में आएगी फर्स्ट वीक ऑफ जून में. देन लॉफ्टी माउंटेन कॉजेज द मॉनसून विंड्स टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट. तो ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच आ रही है, यहाँ पे हिमालय आ गया तो वो उसे ऐसे गैंगेटिक प्लेन में डिवाइड कर देगी, एक इस तरफ और एक चला जाएगा ब्रह्मपुत्र वैली तरफ. नाउ गंगा प्लेन और मिड जून में अरेबियन जो ब्रांच है, ये मॉनसून अराइव्स फ्रॉम सौराष्ट्र, कच्छ एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री. नाउ अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांचेज ऑफ द मॉनसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा. गंगा में आके ये सब क्या होते हैं? मिल जाते हैं. फिर दिल्ली जनरली रिसीव्स द मॉनसून शॉवर्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल इन द एंड ऑफ जून 29th ऑफ जून में. बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान में भी मॉनसून आ जाता है. मिड जुलाई, सी जून में साउथ में आया था, टिप में फर्स्ट जून को आ गया था और ये धीरे 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 करके दिल्ली एंड देन पंजाब ऐसे करके जुलाई तक पहुँच पाता है. ये मॉनसून रीचेज हिमाचल, रेस्ट ऑफ द कंट्री. विड्रॉवल और द रिट्रीट ऑफ द मॉनसून इज मोर ग्रेजुअल. अब धीरे धीरे ऊपर गया ना, अब ये धीरे धीरे नीचे भी आएगा. विड्रॉवल ऑफ द मॉनसून बिगिंस इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय अर्ली सेप्टेंबर. से धीरे धीरे विड्रॉ हो रहा है, मिड अक्टूबर में ये विड्रॉ हो जाएगा नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला से. विड्रॉवल फ्रॉम द सदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला इज फेयरली रैपिड. अर्ली दिसंबर मॉनसून कंप्लीटली विड्रॉ हो जाता है इंडिया से. आइलैंड रिसीव्स द फर्स्ट वेरी मॉनसून शॉवर्स प्रोग्रेसिवली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ मे. अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, यहाँ पे जल्दी होगा. विड्रॉवल टेक्स प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी. सो बाय दिस टाइम रेस्ट ऑफ द कंट्री इज ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द विंटर मॉनसून. अब हम बात करते हैं सीजन्स की. सी मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है ना, इसमें अलग अलग डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न होते हैं. सो वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंजेस फ्रॉम वन सीजन टू द अदर. These changes are particularly noticeable in the interior part of the country. अंदर continentality ज़्यादा होगी, मतलब season ज़्यादा reflect होंगे. Coastal area में ज़्यादा changes नहीं आते हैं. Though there is variation in rainfall pattern. Now, how many seasons are expected in your place? 4 main seasons होते हैं इंडिया में. एक ठंड, cold weather, एक hot weather, गर्मी, एक advancing monsoon और एक हो गया retreating monsoon. So, how many seasons are there? 4 seasons are there. Cold weather system पढ़ते हैं, मतलब winter. कोल्ड वेदर सिस्टम बिगिन होगा मिड नवंबर से नॉर्दर्न इंडिया में और कब तक रहेगा? फरवरी में रहेगा. काफ़ी ठंड रहती है. दिसंबर एंड जनवरी सबसे ज़्यादा ठंड रहेगी. टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाएगा, 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड चेन्नई में रहेगा. अगेन बिकॉज कोस्टल है तो यहाँ ज़्यादा वेरिएशन नहीं आते हैं. नॉर्दर्न प्लेन में टेम्परेचर 10-15 डिग्री हो जाएगा. दिल्ली में बहुत ठंड होती है. सो डेज एंड वार्म एंड नाइट्स आर कूल. दिन गर्म होते हैं, नाइट बहुत ठंडी हो जाती है. फ्रॉस्ट इज कॉमन. फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे हो जाता है जब टेम्परेचर, तो वो फ्रॉस्ट फॉर्मेशन होता है, नॉर्थ में बनता है. हायर स्लोप्स ऑफ हिमालय में स्नोफॉल भी होता है. ड्यूरिंग दिस सीजन नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द ट्रेन. अगेन विंड का नॉर्थ ईस्ट, मतलब ऐसी करके ट्रेड विंड्स यहाँ पे प्रिवेल हो रही है. मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इज अ ड्राई सीजन. सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल होगा तमिलनाडु में बिकॉज ये ब्लो होंगी सी टू लैंड. ये ऐसे आ रही है तो यहाँ पे इन्होंने पानी पिक किया विंड्स ने, नॉर्थ ईस्ट विंड्स ने, और यहाँ पे रेनफॉल कर दिया तमिलनाडु में. इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री अ फीबल, फीबल का मतलब होता है हल्का, फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप विद लाइट विंड्स मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम दिस एरिया. इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ दीज विंड्स ब्लो through the Ganga Valley from the west and to the northwest. The weather is normally marked by clear sky, low temperature, low humidity and feeble variable winds. Ab characteristic feature of cold weather season hota hai northern plain mein in the inflow of cyclonic disturbances aate hain west and the northwest. Jaise abhi February March mein humne dekha tha, ye low pressure system originate hota hai Mediterranean Sea mein towards this west and western Asia mein move hota hai India along with westerly
फ्लो, सो दे कॉजेज द मच नीडेड विंटर रेन ओवर द प्लेन एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन. ये रेन अच्छी है बट जो अगर विंड चलती है या ओला हेल हो जाता है तो उससे फसल का नुकसान होता है. जैसे राबी क्रॉप वीट में अभी कुछ नुकसान हो गया था. इसको बोलते हैं महावट, बोलते हैं इसे. सम इमेंस इंपॉर्टेंस टू द राबी क्रॉप. राबी मतलब वीट. सो पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन. देर इज हार्डली एनी नोटिसेबल सीजनल चेंजेस इन टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी. सी ना जल्दी ठंड होता है ना जल्दी गर्म होता है. द हॉट वेदर सीजन मतलब समर. समर में क्या हुआ, एपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो गया. सन सन कहाँ गया, नॉर्थ में आ गया. ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट हो गए नॉर्थवर्ड. तो मार्च टू मई में बहुत गर्मी आएगी इंडिया में. सी ये जो डायग्राम है ना, ये एडवांसिंग मॉनसून है. जो अभी देखा था ना, 1 जून को यहाँ आया, फिर 5 जून दिस, 15 जून, जुलाई, या दिल्ली में ये ब्रांच और ये ब्रांच दोनों आके कन्वर्ज हो जाएगी. सो दिस इज हाउ एडवांसिंग मॉनसून होता है ये. अब कंटिन्यू करते हैं समर को. इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग टेकन ड्यूरिंग मार्च में एट डिफरेंट लैटिट्यूड. में मार्च में 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया. अब इंडिया में टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे. अप्रैल में 42 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया. पेनिनसुला में टेम्परेचर कम होता है बिकॉज अगेन ओशंस है वहाँ पे. ओशंस होने के कारण मॉडरेटिंग इफेक्ट हो जाता है. समर मंथ एक्सपीरियंस करते हैं राइजिंग टेम्परेचर, फॉलिंग एयर प्रेशर. टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर प्रेशर कम होता है नॉर्दर्न में. टूवर्ड्स द एंड लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा रीजन में. थार डेजर्ट से पटना, छोटा नागपुर, यहाँ सब जगह लो प्रेशर एरिया हो गया. सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिंस टू सेट इन अराउंड दिस ट्रोट्रो, मीन्स लो प्रेशर एरिया है. स्ट्राइकिंग फीचर होगा कि अब लू चलेगी. बहुत हॉट विंड होती है, स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स होती है. ये लोकल विंड्स कहलाती है. ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया दे इवन कंटिन्यू अंटिल द लेट इन द इवनिंग. डायरेक्ट एक्सपोजर से लोग बीमार हो जाते हैं, फेटल होते हैं. डस्ट स्टॉर्म्स भी बहुत कॉमन है मंथ ऑफ मे इन नॉर्दर्न इंडिया. दी स्टॉर्म ब्रिंग टेम्पररी रिलीफ. अचानक थोड़ी बारिश हो जाएगी. लोअर द टेम्परेचर, रेन एंड कूल ब्रीज. दिस इज ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज थंडर स्टॉर्म होते हैं. वॉयलेंट विंड, टोरेंशियल डाउनपोर होता है, हेल भी होता है इस टाइम पे. एक वेस्ट बंगाल में काल बैशाखी नाम का एक टर्म है. नाउ टुवर्ड्स दिस क्लोज ऑफ समर मॉनसून, प्री मॉनसून शॉवर आर कॉमन स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका. प्री मॉनसून, मॉनसून के जस्ट पहले, इनको बोलते हैं मैंगो शॉवर बिकॉज राइपनिंग ऑफ मैंगो में ये हेल्प करते हैं. तो अभी हमने विंटर्स देखा, फिर हमने देखा समर्स. अब एडवांसिंग मॉनसून देखते हैं, मतलब बारिश आ गई है. जून में लो प्रेशर जो जनरेट हुआ ना बिकॉज ऑफ हीट से, तो अब यहाँ से ऐसे विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो होने लग जाएगी. इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर. साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ सदर्न स्लोप. 23.5 डिग्री साउथ के तरफ सब ट्रॉपिकल हाई से आ रही है. दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो इन अ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन एंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला एज द साउथ वेस्ट मॉनसून. साउथ वेस्ट मॉनसून. दीज विंड्स ब्लो ओवर वार्म करेंट, समुद्र से आ रही है मतलब पानी लाएगी. दे ब्रिंग एबेंडेंट मॉइस्चर इन द सब कॉन्टिनेंट. ये जो विंड्स होती है स्ट्रॉन्ग ब्लो होती है. एवरेज वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर की रहती है, एक्सेप्शन ऑफ द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट. सो मॉनसून विंड्स कवर द कंट्री इन अबाउट अ मंथ. 1 जून से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे पूरा कवर कर लिया. द इनफ्लो ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून इन टू द इंडिया ब्रिंग अबाउट अ टोटल चेंज इन द वेदर. अर्ली इन द सीजन विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव्स हैवी रेनफॉल. ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रहा है 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा. डेकन प्लेटू एंड पार्ट ऑफ MP में कम रेनफॉल होता है. सम रेनफॉल होता है इन स्पाइट ऑफ लाइंग इन द रेन शेडो रीजन. अगेन यहाँ पे क्या है, ट्रो फॉर्मेशन है जो देखा था ना, ताप्ती एंड दिस ट्रो फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे. सो द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. मौसिन राम एक जगह है साउदर्न रेंजेस ऑफ खासी हिल्स मेघालय में. यहाँ बहुत पानी गिरता है. रेनफॉल गंगा वैली में डिक्रीज होता है. बंगाल से अपन ऊपर की तरफ आते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश, पानी कम होता जाता है. राजस्थान गुजरात में भी कम स्कैंटी रेनफॉल होता है. दूसरा फिनोमिनन है यहाँ पे ब्रेक होते हैं, मतलब पानी आते आते अचानक ड्राई स्पेल आ गया. वेट एंड ड्राई स्पेल्स होते हैं, मॉनसून ब्रेक कहलाते हैं. ये पूरा रेनलेस इंटरवेल भी होता है, मतलब मॉनसून आ गया बट फॉर 1 वीक और 2 वीक अचानक पानी नहीं आएगा. मूवमेंट ऑफ द मॉनसून थ्रू ट्रो. फॉर वेरियस रीजन ट्रो एंड इट्स एक्सेस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड. जो ये डिटरमाइन करते हैं स्पेटियल, मतलब अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कितना है. एक्सेस ऑफ द मॉनसून ट्रो लाइज ओवर द प्लेन, रेनफॉल इज गुड इन दीज पार्ट्स. अदर हैंड वेन एवर द एक्सेस शिफ्ट क्लोजर टू द हिमालय दे आर लॉन्गर ड्राई स्पेल्स. तो लो प्रेशर रीजन बनना चाहिए, एक ट्रो फॉर्मेशन होना चाहिए, तो वहाँ पे पानी ज़्यादा आएगा, रेन्स ज़्यादा आएगी क्योंकि वो विंड को अट्रैक्ट कर रहा है. वाइड स्प्रेड रेन अकर इन द माउंटेनियस कैचमेंट एरिया ऑफ हिमालयन रिवर.
ये हैवी रिवर डिवास्टेटिंग फ्लड्स भी करती है, ड्रेनेज लाइफ प्रॉपर्टी। तो अक्सर आप देखोगे अक्सर बहुत फ्लड्स आते हैं ड्यूरिंग दिस मॉनसून टाइम। फ्रिक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन ट्रू डिटरमाइन द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून रेन्स। दीज डिप्रेशन फॉर्म एट द हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड क्रॉस ओवर द मेनलैंड। तो जहाँ डिप्रेशन फॉर्म होता है वहाँ पे पानी ज़्यादा आएगा, मॉनसून को अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या था हमारा अराइवल ऑफ मॉनसून था, ये हो गया हमारा रिट्रीटिंग मॉनसून। तो सी मॉनसून अब ऐसे हो रहा है, रिवर्सल हो गया डायरेक्शन, और यहाँ पे चेन्नई में इसलिए बारिश हो जाती है तमिलनाडु कोस्ट में। अब हम देखते हैं ये रिट्रीटिंग जो है अनसर्टेनिटी होती है, ऑल्टरेशन ड्राई एंड वेट स्पेल्स आएंगे, हैवी फ्लड्स आएगा, इररेगुलर अराइवल होगा, सो दैट इज़ वाई मॉनसून कई बार डिवास्टेटिंग भी हो जाता है। अब देखते हैं रिट्रीटिंग, रिट्रीटिंग अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हुआ है। अब मूवमेंट क्या हुआ, साउथ की तरफ मूवमेंट हो गया, सन साउथ की तरफ जा रहा है, तो विंड्स भी अब साउथ में ऐसे नॉर्थ टू दिस ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ऐसे विंड्स फ्लो हो रही हैं अब। नाउ दिस ग्रेजुअली रिप्लेस बाय अ हाई प्रेशर सिस्टम, सो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स वीकन एंड स्टार्ट विदड्रॉविंग ग्रेजुअली। बिगनिंग ऑफ अक्टूबर मॉनसून विदड्रॉ फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन। अब क्या हुआ, मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर था पीरियड ऑफ ट्रांजिशन हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर सीजन, दिस इज इंपॉर्टेंट। रिट्रीट ऑफ द मॉनसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काई एंड राइज इन टेम्परेचर। सी मॉनसून रॉ में ना यहाँ बहुत बारिश होती है, स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्टाइट केव्स भी बहुत फॉर्मेशन है यहाँ पे। स्टेलेगमाइट लेग मतलब नीचे से, स्टेलेगमाइट ऊपर से आ रहा है, और पिलर अगर दोनों मर्ज हो जाते हैं तो डे टेम्परेचर आर हाई, नाइट्स आर कूल एंड प्लीजेंट, लैंड मॉइस्ट होती है, हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी है, वेदर बहुत ऑप्रेसिव हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं अक्टूबर हीट। इसमें बीमार भी बहुत होते हैं लोग। सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर में मरकरी फिर बिगिंस टू फॉल रैपिडली इन नॉर्दर्न, तो अब प्रॉपर ठंड आ जाएगी अक्टूबर के बाद। लो प्रेशर कंडीशन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आया, ये बे ऑफ बंगाल में ट्रांसफर हो गया, तो प्रेशर जैसा चेंज हो रहा है विंड का डायरेक्शन भी वैसे ही चेंज हो जाएगा। तो अब साइक्लोनिक डिप्रेशन फॉर्म होते हैं अंडमान सी में, ये साइक्लोन क्रॉस करते हैं ईस्टर्न कोस्ट और हैवी डैमेज आता है, हैवी रेंज आती है हमारे ईस्टर्न कोस्ट में। दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर ऑफन वेरी डिस्ट्रक्टिव, थिकली पॉपुलेटेड डेल्टाज ऑफ द गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी में बहुत ज़्यादा डैमेज होता है इनसे, ग्रेट डैमेज प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ। समटाइम्स दीज साइक्लोन्स अराइव एट द कोस्ट ऑफ ओडिशा वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, कोरोमंडल कोस्ट, कोरो सी से कोरो, सी से चेन्नई, ये कोरोमंडल कोस्ट चेन्नई में डिराइव डिप्रेशन इन साइक्लोन्स। अब हम देखते हैं रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन, वेस्टर्न कोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में 400 सेंटीमीटर हो रहा है, कुछ जगह 60 सेंटीमीटर हो रहा है, राजस्थान में कम हो रहा है, गुजरात हरियाणा पंजाब में भी, तो रेनफॉल भी अलग अलग है अलग अलग जगह में। देन इंटीरियर ऑफ डेक्कन सह्याद्री में भी रेनफॉल कम हो रहा है, यहाँ पे ओरोग्राफिक हो जाता है रेन शेडो एंड लीवर्ड, सो दीज रीजन रिसीव लो रेनफॉल। प्रेसिपिटेशन कम होता है जम्मू एंड कश्मीर में भी, रेस्ट ऑफ द कंट्री में भी मॉडरेट रेनफॉल, स्नोफॉल हिमालय में ज़्यादा हो रहा है। तो नेचर ऑफ मॉनसून और रिलीफ ये दोनों डिटरमाइन करते हैं कहाँ ज़्यादा बारिश हो रहा है कहाँ कम हो रहा है, इसको बोलते हैं वेरिएबिलिटी, मतलब ज़्यादा कम में। तो ये हाई है इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल और लो है इन दिस हाई रेनफॉल रीजन दैट इज़ इन वेस्टर्न घाट्स। These high rainfall are liable to be affected by flood, area of low rainfall and drought and prone. तो अब मॉनसून एक यूनिफाइंग बॉन्ड बना रहा है सब कॉन्टिनेंट को, कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, यूनिफॉर्मली हायर टेम्परेचर कंपेयर टू अदर एरिया ऑन द सेम लैटिट्यूड, सिमिलरली पेनिनसुलर प्लेटू में इन्फ्लुएंस ऑफ सी फ्रॉम द थ्री साइड्स, मॉडरेटिंग इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो इससे क्या हो रहा है, यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉनसून ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज क्वाइट परसेप्टेबल। मॉनसून बहुत ज़्यादा यूनिफाई करता है, दैट इज़ वाई इंडियन वे ऑफ लाइफ में मॉनसून इतना इंपॉर्टेंट होता है। सीजनल ऑल्टरेशन ऑफ द विंड सिस्टम एंड एसोशिएटेड वेदर कंडीशन प्रोवाइड अ रिदमेटिक साइकिल ऑफ दिस सीजन, इवन द अनसर्टेनिटी ऑफ रेन एंड अनइवन। सो सी ये सीजनल रेनफॉल है जून से सितंबर में, 400 मतलब बहुत ज़्यादा बारिश, कम 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 कम, 0 से 20 मतलब बहुत कम बारिश है। यहाँ थारवार में देखिए कितना कम बारिश हो रहा है, यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है मॉनसून राम में, यहाँ वेस्टर्न घाट में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और यहाँ कम है। इधर लीवर्ड साइड ये जो विंड शेडो रेन आ जाता है यहाँ पे कम बारिश होती है, मराठावाड एंड ऑल इधर। देन ये एनुअल रेनफॉल है, कहाँ पे कितना रेनफॉल हो रहा है, सी डिवास्टेड बाय डिल्यूज हैवी रेनफॉल हो रहा है, दिस फ्रीजिंग कश्मीर। सो रेनफॉल इसी तरीके से हमारी एनिमल प्लांट लाइफ को, कैलेंडर एग्रीकल्चर फेस्टिवल सब कुछ हमारे यहाँ मॉनसून है। सो दैट इज़ वाई ज्योग्राफी में ऐसा बोलते हैं मॉनसून ही एक गॉड है इंडियन वे ऑफ लाइफ में। ईयर आफ्टर ईयर पीपल ऑफ इंडिया नॉर्थ साउथ अवेट्स द अराइवल ऑफ मॉनसून। इकोनॉमी हमारी अच्छा करती है अगर मॉनसून टाइम पर आ जाता है और अच्छा होता है। रिवर वैली विच कैरी द वाटर ऑल्सो यूनाइट अ सिंगल रिवर वैली यूनिट। सो दिस वॉज अगेन अ बिग चैप्टर, बट हमने इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग और सॉलिड कॉन्सेप्ट देखे हैं ज्योग्राफी के, और क्लाइमेटोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
इम्पॉर्टेंट, दीज आर बेसिक थिंग्स, बट ये पिलर आपका बनाएंगे आगे फर्दर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए. नाउ दिस इज एक्सरसाइज, दिस इज ऑन यू, ट्राई टू डू दिस एक्सरसाइज. काफ़ी इजी इजी क्वेश्चंस है, अब पढ़ लेने के बाद बहुत आसान लगेंगे. इसको अगर आप एक्सरसाइज को करोगे ना तो इसका रिटेंशन ज़्यादा रहेगा. सो डू दिस एक्सरसाइज. हमने यहाँ क्या क्या पढ़ा, एनुअल रेनफॉल देखा हमने, देन हमने सीजनल रेनफॉल, देन मॉनसून यूनिफाइंग बॉन्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन, रिट्रीटिंग मॉनसून देखा, ये रिट्रीटिंग मॉनसून आ गया था. देन वी रेड अबाउट एडवांसिंग मॉनसून, मैंगो शॉवर, देन ये था एडवांसिंग इंडिया का मॉनसून. देन दिस वॉज द सीजन, सीजन्स कौन से होते हैं, चार सीजन है इंडिया में. देन कोल्ड, हॉट, मॉनसून अराइवल, मॉनसून विड्रॉवल, दिस इज अल नीनो, ITCG. अभी हम बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट देखें, ये मॉनसून बहुत ब्यूटिफुली एक्सप्लेन किया है यहाँ पे. दिस फाइव फैक्टर्स अराइवल ऑफ मॉनसून, ये जेट स्ट्रीम्स हमने देखे, ये ईस्टर्ली दिस एंड दिस इज ऊपर वाली जेट स्ट्रीम, देन दिस इज जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज, ये कोरियोलिस फोर्स भी यहाँ पे मेंशन है, प्रेशर एंड विंड, ये सारे इंपॉर्टेंट है, एल्टीट्यूड, देन ये क्लाइमेट कंट्रोल है, ये फैक्टर्स क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं. देन दिस इज क्लाइमेट, दिस इज वेदर, एंड दिस इज चैप्टर नंबर 4, क्लाइमेट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बी सेफ.